दोस्तों जियो 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 जहाँ पर भी देखो यार, दूर दूर तक हमें सिर्फ जियो का ही नाम जो है दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है। तो ऐसे में भैया मैंने सोचा कि क्यों ना की जाए इस छोटे से जियो फोन की अनबॉक्सिंग। इस फोन की अगर हम बात करें तो भैया जियो का दावा है कि ये है एक छोटा सा स्मार्टफोन और इसमें आपको लगभग लगभग वो सारे फीचर मिलते हैं जो एक बड़े स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, सिवाय कुछ एप्लीकेशन फीचर्स को छोड़कर। इस फोन की अगर हम बात करें तो भी हम आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके फीचर के बारे में और इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। प्राइस की बात करें तो भैया अभी इस फोन पर चल रहा है बहुत ही बम्पर डिस्काउंट और ऐसे में ये फोन आपको मिलेगा सिर्फ 6,999 रुपए में। फोन आपको आपके नजदीकी लोकल एरिया में मिल जाएगा, जहां पर भी जियो स्टोर हो या फिर जियो कैंपिंग जो है चल रही हो तो वहां जाकर आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए भैया करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके हर एक फीचर के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है वो जियो का प्यारा सा छोटा सा स्मार्टफोन। ओपन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बॉक्स के ऊपर भी कुछ इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो दिखा देता हूँ। ऊपर आपको जियो मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। साइड में भैया आपको आप इस स्मार्टफोन को अपने टेलीविजन से कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसा आप चमत्कार कर पाएंगे जियो मीडिया केबल का यूज करके। इस केबल का एक हिस्सा कनेक्ट होगा आपके स्मार्टफोन से और दूसरा हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा आपके टेलीविजन से। उसके बाद आप इसको जो है वो अपने टेलीविजन पर भी आप जियो टीवी का एंटरटेनमेंट जो है वो ले पाएंगे। साइड में आपको देखने को मिलेगा डिजाइन इन इंडिया फॉर इंडिया, यानी डिजाइन में यानी भैया ये इंडिया में ही बना है और इंडिया में ही अवेलेबल है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको मिलेगा लिखा हुआ जियो स्मार्टफोन इंडिया का स्मार्टफोन। अब ये कहाँ तक स्मार्टफोन है चलिए इसको ओपन करने पर हमें पता लगेगा। उसके बाद कुछ और इसमें फीचर आपको देखने को मिलेगा। फ़ोन में आपको साइड में देखने को मिलेगा इसकी जो सार वैल्यू है हेड की वो है 0.606 और बॉडी की जो सार वैल्यू है वो है 1.341। तो ये तो है इसकी सार वैल्यू। उसके बाद कुछ और स्पेसिफिकेशन यानी जियो जो सर्विसेज हैं ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे माई जियो एप्लीकेशन, जियो चैट, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक और इस तरह से और एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन को आप जियो फोन में यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे कि व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, तो इस तरह के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद भैया इसके फीचर पर नज़र डालें तो इसमें आपको मिलेगी HD वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, यानी अगर आप अलग अलग जगह से हैं इंडिया में तो आप अपने सुविधा के अनुसार लैंग्वेजेस जो हैं वो चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगी ब्लूटूथ, GPS की सुविधा, वायरलेस FM रेडियो, वाईफाई कनेक्टिविटी और ये साइड में आपको यहाँ पर देखने को इस फ़ोन की अगर हम बनावट मतलब इसके हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले, 2 मेगापिक्सल प्लस VGA कैमरा, 2000 mAh की बैटरी, 512 MB की रैम, 4GB इंटरनल मेमोरी, SD कार्ड 128GB तक आप इसमें सपोर्ट कर पाएंगे। तो यार ये काफ़ी कमाल की चीज़ है कि आप इसमें 128GB तक इंटरनल कार्ड जो है सपोर्ट कर पाएंगे और साथ साथ इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो हेडफोन जैक जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं इस बॉक्स को ओपन और फ़ोन को जो है निकालते हैं बाहर। बॉक्स ओपन करने के बाद भैया जो फ़ोन है वो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। फिलहाल चलिए मैं फ़ोन को रख लेता हूँ साइड की तरफ और बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक चार्जर। चार्जर की बात करें तो इसमें भैया आउटपुट मिलती है हमें 5 वोल्ट 7 mA। तो ठीक है चार्जर भी और यहाँ पर आपको मिलती है लाइफ की ब्रांडिंग जो कि जियो फ़ोन बनाने वाली ही एक कंपनी है। इसके बाद और चीज़ ओपन करते हैं तो यहाँ पर मिलती है हमें एक बैटरी और साथ साथ कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स, जैसे कि इस यूज़र मैनुअल गाइड की बात करें तो भैया ये है एक लैंग्वेज गाइड, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग लैंग्वेजेस जो है चुन कर सकते हैं। उसके बाद मिलती है एक यूज़र इंस्ट्रक्शन गाइड, इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, क्या है, काफ़ी लंबा चौड़ा जो कहानी है इसके ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ एक तरफ और अब हम करते हैं बैटरी को इस फ़ोन में इंस्टॉल। बैटरी की बात करें तो बैटरी देखते हैं कितनी पावर की है। बैटरी इसमें भैया देखने को हमें मिलती है 2000 mAh की बैटरी, तो बैटरी भी यार आपको काफ़ी अच्छी खासी साइज़ की देखने को मिलती है। इसके बाद चलिए अब हम इस फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने पर पहले मैं आपको साइड में भी पहले फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। भैया बनावट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलता है हमें एक LED टॉर्च, एक माइक जो कि इस कैमरे का है। उसके बाद साइड पर नज़र डालें तो यहाँ पर मिलता है एक वो जो
पुराने ज़माने वाला जो नोकिया फ़ोन में आप देखते थे फीता बांधने वाला हिसाब था, ये कुछ वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर मिलती है इसके चार्जिंग पोर्ट की सुविधा, यहाँ से आप इस फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा और बस साइड में आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको मिलता है एक 2 megapixel का कैमरा, एक भैया पावरफुल स्पीकर, लाइफ की ब्रांडिंग और साथ ही साथ बैक साइड में भी आपको कुछ इस तरह सिंबल देखने मिलता है। शायद हो सकता है ये NFC का कोई जुगाड़ है, अभी हम इसे ओपन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए अब मैं इस फ़ोन को जो है कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करने बाद इस बैटरी को हम करेंगे इसमें इंसर्ट। तो फ़ोन के बैक केस को हमने कर लिया है यहाँ पर ओपन, और अब इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगी। और भैया अगर हम इसकी बात करें तो ये वाकई मुझे NFC का ही एक पोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि बैक साइड में भी यहाँ पर आप कुछ NFC का ही जुगाड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये है एक NFC। तो यार ये वाकई मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाकई में NFC का ही एक जुगाड़ है। तो यार वाकई में इस छोटे से फ़ोन में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और साथ साथ इसमें जो सिम है वो भी इंसर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आपको अलग से सिम लेने की भी जो झंझट है वो नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इस बैटरी को इसके अंदर इंस्टॉल। बैटरी को हमने इंस्टॉल कर दिया है, चलिए कवर को भी हम कर लेते हैं अब क्लोज, और भैया फोन को अब हम कर लेते हैं ऑन। फोन भैया फ्रंट से देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे यहां पर आपको मिलेगी एक कॉलिंग माइक और साथ ही साथ आपको इसके कीबोर्ड्स जो है वो कुछ इस तरह से इसकी बनावट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां पर मिलेगा आपको जियो की ब्रांडिंग और एक भैया 2.4 इंच की TFT QVGA डिस्प्ले, और ऊपर की साइड में आपको फ़ोन का एक स्पीकर और साथ में एक VGA कैमरा देखने को मिलेगा। तो अब चलिए हम फ़ोन के जो हमारा फ़ोन है वो ओपन हो चुका है, और चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फ़ोन के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ये एप्लीकेशन जैसे कॉल, कॉन्टैक्ट, जियो स्टोर, उसके बाद कैमरा, फेसबुक मैसेज, जियो TV, जियो म्यूजिक, जियो चैट, और भैया साथ साथ यहाँ पर जियो सिनेमा, जियो गेम, क्लॉक, FM रेडियो, जियो एक्सप्रेस, गैलरी, कैलेंडर, कैलकुलेटर। और भैया नीचे की साइड में आते हैं तो आपको GMI Jio एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद ये है फाइल मैनेजर। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ और एप्लीकेशन, तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन में तो आपको यह कुछ देखने को मिलती है, अगर आप अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड जो है वो हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम और इसके स्पेसिफिकेशन पर। तो ब्राउज के लिए यहाँ पर इस की को जब आप कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे तो आपका इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो इस फ़ोन में ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप नेट जो है वो चालू कर पाएंगे। तो भैया ये थी इस फ़ोन की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। फ़ोन अगर आपको परचेज़ करना है तो अभी चल रहा है इस पर एक बम्पर डिस्काउंट, और ऐसे में ये फ़ोन आपको मिलेगा 699 रुपये में, और ये मिल जाएगा आपको आपके नज़दीकी जियो स्टोर पर या फिर जहां पर जियो के कैंपिंग जो है लगे रहते हैं जगह जगह आप देखते हैं रोड पर, तो वहां से भी आपको ये फ़ोन जो है मिल जाएगा। वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।